आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में, यानी आपकी लैंग्वेज में सर्वाइकल का दर्द होना या गर्दन का दर्द जो हाथ में आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को सर्वाइकल ऑस्टियो आर्थराइटिस और नेक आर्थराइटिस भी कहते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन क्या होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपरी भाग जो होती है, इसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। ये सर्वाइकल स्पाइन बनी होती है इन मनकों की, जिन्हें वर्टिब्रास कहते हैं। इनके बीच में गद्दी होती है, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है जिससे स्पाइनल नर्व निकलती है। अब नॉर्मल लाइफ में इनका वियर एंड टीयर, इसके लगातार इस्तेमाल से ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये खराब हो जाते हैं। डिस्क का डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। जो मनके होते हैं उनके बीच में पीछे जोड़ होते हैं जिन्हें फेसेट जॉइंट बोलते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिनकी वजह से गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर 40 के बाद से ये प्रोसेस है डिजनरेशन का, ये शुरू हो जाता है। पर ये जो इसके लक्षण है, इसके ये लक्षण 60 साल से ऊपर के मरीजों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा वियर एंड टीयर की वजह से ये दिक्कत आती है। एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं हमारी स्पाइन के, हमारे नेक के रीजन में। इस वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन का दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये जो डीजनरेशन चेंजेस होते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस जो बन रहा है, इससे जो हमारी स्पाइनल कैनाल है छोटी हो जाती है, उसकी जो चौड़ाई है, डायमीटर है उसका, वो छोटा हो जाता है, जिस वजह से हमें न्यूरो न्यूरो की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हमें नर्व की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। इसका नैरो लेटरल रेसेस एंड फोरामिना, इस वजह से हमारा जो दर्द है वो गर्दन से हाथ में आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट, सूनापन होना शुरू हो जाता है, रेडिएटिंग पेन जिसे हम कहते हैं। अब इसके क्या कारण है, किस वजह से ये बीमारी होती है? जब हम लैपटॉप पे लगातार देखते रहते हैं, या हमारा स्लीपिंग पोस्चर सही नहीं होता, या हमारा पिलो सही नहीं होता, तो इस वजह से हमारी जो मांसपेशी है उनका ओवर यूज हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है। फिर ये दर्द गर्दन से हमारी मांसपेशी ट्रपेजियस मसल में आता है, फिर धीरे धीरे ये शोल्डर, एल्बो से फिंगर तक आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो डिस्क का है नॉर्मल वेयर एंड टीयर होना शुरू हो जाता है, डिस्क डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से भी नेक में पेन आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की बीमारी हो जाती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हम बाइक से गिर गए हैं, ऊंचाई से गिर गए, गर्दन में सीधा स्ट्रेस आया है, इस वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की बीमारी हो जाती है। अब जैसे जैसे डीजनरेशन होने लगता है सर्वाइकल स्पाइन का, इस वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगते हैं, डीजनरेशन होने लगता है, डिस्क का जो फ्लूड है डिस्क के अंदर उसकी कमी हो जाती है, इस वजह से नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी हो जाती है। अगर डिस्क थोड़ी सी निकल गई है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका जो हिस्सा है न्यूक्लियस पल्पोसस या एनुलस फाइब्रोसिस, ये थोड़ा बहुत निकल गया है, इस वजह से जो आसपास में जो स्पाइनल नर्व वहां से निकल रही है उसमें प्रेशर पड़ता है, और इस वजह से भी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, नस दब जाती है, इस वजह से दर्द आना शुरू हो जाता है, नंबनेस हो जाती है, झंझनाहट सा फील होता है हाथों में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वियर एंड टीयर होने लगता है कार्टिलेजेस का, इस वजह से भी हमारी डिस्क डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है, हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी हो जाती है। अगर हम लैपटॉप में लगातार काम करते हैं, मोबाइल फोन को लगातार देखते हैं, या हमारे सर पे हम भारी सामान रख लेते हैं, या कुछ भी ऐसा जिसका हम ओवर यूज कर रहे हैं, इस वजह से जो हमारी नेक का जो नॉर्मल पोस्चर है, जो हमारी डिस्क है, हमारे जॉइंट्स है, वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं और गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है। अगर हमारी जो हड्डी है वहां से छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं हड्डी के, जिस वजह से जो आसपास का स्पाइनल कॉर्ड के जो एरियाज है, जैसे स्पाइनल नर्व्स निकल रही है, वो दब रही है, इस वजह से भी गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है और हाथों तक आता है दर्द। हमारा पोस्चर सही नहीं, हमारे सोने का तरीका सही नहीं, हम कैसे बैठे, हमारे गर्दन
का पोस्चर कैसा है, अगर हम ज्यादा झुका के रखते हैं, ज्यादा पीछे की तरफ गर्दन रखते हैं, इस वजह से भी हमारी गर्दन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर हमारी जो मांसपेशियों को ओवर यूज कर रहे हैं, हम लगातार एक ही एक काम कर रहे हैं, हम लगातार एक ही एक पोस्चर है हमारा, जिस वजह से जो एक मसल है बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, जिस वजह से ओवर स्ट्रेच होने की वजह से हमारी जो नेक है उसमें डिजनरेशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये बीमारी हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में शुरू होती है, ये डिजनरेशन होने लगता है डिस्क का जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, या फिर हमारा पोस्चर सही नहीं है, वियर एंड टियर होने लगता है, डिस्क का डिजनरेशन होने लगता है। फिर जो नॉर्मल डिस्क स्पेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो हमारी हड्डी है, जो वर्टिब्राज है, जॉइंट्स है, वहाँ से छोटे छोटे बोन्स के टुकड़े निकलने लगते हैं बाहर मार्जिन से, और वो जो टुकड़े निकलते हैं मार्जिन से वो हमारी स्पाइनल नर्व है, उसमें से जो नर्व है उसको दबाती है, इम्पिंज करती है, जिस वजह से हमारे को जो दर्द है वो हमारा गर्दन से कंधे में एल्बो से फिंगर्स तक आना शुरू होता है, और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे उंगलियों तक फिंगर्स तक दर्द आ रहा है, झंझनाहट सा होता है, सूनापन लगता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमारी गर्दन में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, हमारी गर्दन बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। तो ये सारी पैथोलॉजी हमें देखने को मिलती है। एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, वो उनका डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है, तो जिस वजह से जो कार्टिलेज है उनका धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं वो, और स्पाइनल जो लिगामेंट्स है वो भी धीरे धीरे उनकी जो लचकपन है वो कम होने लगती है, हाइपर मोबाइल हो जाती है हमारी स्पाइन, और इस वजह से स्पर फॉर्मेशन निकलने लगता है, जो स्पाइनल कैनाल है, फोरामिना है, वो छोटे हो जाते हैं उनका डायमीटर, और इस वजह से ये सब चीज़ें जो नस निकल रही है स्पाइनल नर्व से, उनको सर्वाइकल नर्व रूट से जो नस निकल रही है उसको दबाती है, क्योंकि उसको इतना स्पेस नहीं मिलता तो वो दबती है, जिस वजह से हमारे हाथों में सूनापन, झंझनाहट और पूरी फिंगर्स तक दर्द आना शुरू होता है। अब क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा नेक में पेन होता है, जो पेन हेडेक्स ऑसिपट में भी आता है, हमारे शोल्डर स्कैपुला में आर्म तक दर्द आना शुरू हो जाता है। जब हम कंटिन्यू एक ही पोस्चर में रहते हैं, सीधी रखते हैं बिल्कुल गर्दन एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो इस वजह से भी दर्द बहुत ज़्यादा हमें होता है और हमें सोने में बहुत दिक्कत होती है। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम ऑसिपिटल हेडेक कहते हैं। जो पेन है वो रेडिएट करता है शोल्डर से नीचे फोरआर्म तक। जब सुबह उठता है पेशेंट तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है कि नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत टाइट हो गई है नेक, सूनापन लगता है, ऐसा लगता है कुछ सेंसेशन ही नहीं है हाथों में, झंझनाहट सा लगता है, और वर्टाइगो की प्रॉब्लम भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि इम्बैलेंस हो रहा है उन्हें, वो स्थिर नहीं है उनकी बॉडी, उनका उनका बॉडी इम्बैलेंस हो रही है, नेक के रीजन के अराउंड या मसल्स के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है, बहुत टाइटनेस होती है, जो मसल है वो वीक हो जाती है, और जब पेशेंट चलता है तो चक्कर आते हैं, डिफिकल्टी होती है उनको चलने में, और जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता चक्कर आने की वजह से, सर में दर्द होने की वजह से। सबसे ज़्यादा सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, हमारी स्पाइन में सिर्फ एक ही सबसे मोबाइल जॉइंट है, वो है सर्वाइकल स्पाइन के, तो ये सबसे ज़्यादा पास में हमारे सर के, तो इसलिए हमको हेडेक होना बहुत ज़्यादा कॉमन है इस बीमारी में। हेडेक होना और बहुत ज्यादा दिक्कत आना, इस सर्वाइकल रीजन में दिक्कत आने की वजह से हेडेक होना बहुत ज्यादा कॉमन है। जो हमारा नेक है हम फुली बैंड नहीं कर पाते, ना टर्न कर पाते, ना रोटेट कर पाते, बहुत पेन होता है मूवमेंट में। अब इसको पता कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके डॉक्टर चेक करते हैं आपका नेक में किस रीजन पे एग्जैक्टली पेन है, आपके पेन जो है वो हाथ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ गर्दन में ही है दर्द, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, आपका मूवमेंट चेक करते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ट्रिगर पॉइंट चेक करते हैं कि किस पॉइंट में सबसे ज़्यादा नेक में दर्द हो रहा है, फिर अब आपका दर्द कहाँ तक आ रहा है, एल्बो तक ही आ रहा है बस, या फिर सिर्फ शोल्डर तक आ रहा है, या सिर्फ पीछे बैक स्कैपुला पे आ रहा है दर्द, ये सारा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम बात करते हैं एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनसे भी इमेज देख के पता कर सकते हैं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस हुए हैं आपकी नेक में, आपके सर्वाइकल स्पाइन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी आपको हुई है या नहीं है।
रिस्क फैक्टर्स सबसे ज्यादा किन में है? सबसे ज्यादा एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमने पहले भी बात करी थी कि ज्यादातर 40 के बाद से ही प्रोसेस डीजनरेशन का जो ये प्रोसेस है सर्वाइकल स्पाइन की डीजनरेशन का, ये शुरू हो जाता है। बट इसके लक्षण जो है वो 7 साल से ऊपर के मरीजों में पाया जाता है। हमारा पोस्चर सही नहीं है, अगर पोस्चर उनका सही नहीं रखते, जो लोग कंटिन्यू लैपटॉप या मोबाइल फोन्स में काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या जिनका प्रोफेशन ही सीधा कंप्यूटर पे काम करने का है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है, उनको ध्यान रखना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर हमारी फैमिली में किसी को है और उससे भी हमें दिक्कत आती है, अगर हम चेन स्मोकर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, इस वजह से भी हमारे सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप, अगर आपकी कोई इंजरी हुई है पहले से ही, या आपने कोई आपकी वर्क एक्टिविटी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवर यूज़ कर रहे हो कुछ काम को, उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेन एम होता है आपका दर्द कम हो। जो आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, आपके मांसपेशियों में जो दर्द हो रहा है, वो सबसे पहले कम हो। उसके लिए आपको पेन रिलीवर्स देते हैं, एनएसएड्स जैसे आइबुप्रोफेन, ताकि आपका पेन और जो सूजन हुई है वो दर्द कम हो। मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं ताकि जो आपको मसल में स्पाज्म हुआ है वो कम हो, साइक्लोबेंजाप्रीन। स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, ये कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, आपकी जिस एरिया में पेन है, आपके स्पाइन के जिस एरिया में भी पेन है उसके आसपास, वहाँ लगाते हैं इसको, एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन और सर्वाइकल फेसेट जॉइंट इंजेक्शन भी कहते हैं। सर्जरी की बात करें तो एंटीरियर अगर अप्रोच है पेशेंट का, अगर एंटीरियर साइड में दिक्कत है तो डायसेक्टॉमी विदाउट बोन ग्राफ्ट, डायसेक्टॉमी विद बोन ग्राफ्ट करते हैं, और अगर पोस्टीरियर में दिक्कत है सर्वाइकल की तो डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टॉमी एंड फोरामिनोटॉमी करते हैं, हेमिलेमिनोटॉमी करते हैं, लेमिनोप्लास्टी। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कि किस स्टेज पे है पेशेंट की कंडीशन, और फिर उसका इंटीरियरली दिक्कत है या फिर उसका पीछे की तरफ पोस्टीरियरली दिक्कत है। फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, मेन एम है फिजियोथेरेपी का आपका दर्द कम हो। जो आपकी वीक हो गई है नेक की मसल, ट्रेपेजियस मसल मेनली वीक हो जाती है, हमारे स्कैपुला में जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, तो इनकी स्ट्रेंथनिंग हो, ये वापस अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ में आए। जो आपका रेंज ऑफ मोशन, जो नेक का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जो रुक गया है, लिमिट हो गया है, वो वापस इम्प्रूव हो धीरे धीरे, और जो फंक्शंस मेंटेन नहीं थे, जो खराब हो गए थे, वो सब इम्प्रूव हो। एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम पहली एक्सरसाइज है नेक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें आपको धीरे धीरे, जैसे आप अपनी चेयर पे बैठ जाइए, अपनी नेक को स्ट्रेट रखिए न्यूट्रल पोजीशन में, और आप धीरे धीरे अपनी नेक को आगे की तरफ लेके आइए, फिर नीचे चिन की, चिन को चेस्ट की तरफ लेके आइए, धीरे धीरे आपकी गर्दन को नीचे की तरफ लेके आइए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, और आप धीरे 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 एक्टिविटी करेंगे उसको, कुछ सेकंड 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्शन, जिसमें आपको नेक को, चिन को चेस्ट की तरफ लेके आना, धीरे धीरे 5 सेकंड होल्ड करना, फिर धीरे धीरे वापस अपनी न्यूट्रल पोजिशन में आना। ये 10 बार करेंगे आप दिन में 2 बार। फिर इसी में नेक एक्सटेंशन, इसमें आप नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में अपनी नेक रखेंगे और अपने नेक को बैकवर्ड पीछे की तरफ लेके जाएंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, देन वापस न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे। फिर है नेक साइड फ्लेक्शन, इसमें आप नॉर्मल नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, फिर आप धीरे धीरे नेक को बेंड करेंगे एक साइड, आप टच करेंगे अपने ईयर्स को शोल्डर, तो आपको स्ट्रेच अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में स्ट्रेच फील होगा नेक की, होल्ड करेंगे देन रिलैक्स। ऐसे ही आपको, फिर अगर आप राइट में कर रहे हैं फिर देन लेफ्ट में करना है आपको ये मूवमेंट, फिर नेक को रोटेट करना है आपको, नेक न्यूट्रल पोजीशन में रख के धीरे धीरे स्लोली आपको नेक को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आना है। ये आप सिर्फ 5 रेप्स करें दिन में 2 बार। जैसे आप न्यूट्रल में है, फिर देन एक्सटेंशन पीछे जा रहा है, फ्लेक्शन अंदर की तरफ, साइड फ्लेक्शन हो रहा है, लेटरल फ्लेक्शन, रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देन सेकेंड है नेक आइसोमेट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे जो आपकी नेक की मसल्स है उनका एक्टिवेशन होगा और उनमें स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल फ्लेक्शन की, इसमें आप अपनी नेक को स्लाइटली आगे की तरफ लेके आएंगे और हम डायग्राम से आपको समझाते हैं ये सारी एक्सरसाइज। जैसे ये है नेक फ्लेक्शन, इसमें क्या करेंगे आप अपने सर पे हाथ, ऐसे दोनों हाथ रख लेंगे, फिर आपको क्या करना है,
हाथ का धक्का सर की तरफ देना और सर का धक्का हाथ की तरफ देना, दोनों को अपोजिट साइड में प्रेशर देना, तब आपको नेक में स्ट्रेच फील होगा। उसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, ऐसे 10 बार करना है। सेम ऐसी एक्सरसाइज आपको जो आपके पीछे सर के पीछे है ना, दोनों हाथ रखना है, फिर वही अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है, सर को हाथ की तरफ धक्का देना है, तो आपको वापस नेक में स्ट्रेच फील आएगा। ये नेक एक्सटेंशन है, 5 सेकंड होल्ड फिर रिलैक्स, फिर देन आपको नेक साइड फ्लेक्शन करना है। अगर आपको राइट साइड का करना है तो आपको राइट साइड जो हाथ है आपका, राइट हैंड, राइट जो पाम है आपका, वो आपको ईयर से ऊपर राइट साइड हेड पे रखना है, फिर आपको वही अपोजिट प्रेशर लगाना है, तो आपको अपोजिट साइड में लेफ्ट साइड में नेक की स्ट्रेच फील होगा। 5 सेकंड होल्ड रखना है फिर रिलैक्स, ऐसे आपको लेफ्ट साइड में भी करना है। देन हम थर्ड एक्सरसाइज बात करते हैं, चिन टक एक्सरसाइज। इसमें आपको नॉर्मल न्यूट्रल पोजिशन में रखना है नेक को, और फिर अपनी चिन को इन करना है, ठीक है, अपनी ऐसे 2 फिंगर्स लगा के आपको चिन को इन करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है फिर रिलैक्स। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आप फोर्थ एक्सरसाइज है नेक स्ट्रेचिंग। अब आपको ट्रपेजियस मसल, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रपेजियस मसल का स्पाज्म होता है, तो इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें आप अपनी हेड न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे हेड को, फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको राइट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है तो आप अपना लेफ्ट हाथ को लेफ्ट हैंड के पाम को आपको राइट के ईयर के ऊपर इस तरह से आप रखेंगे, फिर आप स्लोली स्लोली हेड को अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, तो आपको राइट साइड में नेक के ट्रपेजियस, राइट नेक की ट्रपेजियस में स्ट्रेच फील होगा। जहां तक आप स्ट्रेच फील अच्छा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं वहां तक आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड तक, देन रिलैक्स। देन आपको अपना पोस्चर सही रखना है हमेशा, जब भी आप बैठ रहे हो खड़े रहे हो तो आपका जो स्पाइन का जो पोस्चर है, स्पाइन का अलाइनमेंट है, वो आपका स्ट्रेट रहे, सही रहे पोस्चर। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर हाफ आवर बाद आप अपनी नेक को हल्का हल्का मूवमेंट करें ताकि आपकी नेक स्टिफ ना हो। अल्ट्रासाउंड, IFT, ये भी है जाकि जिससे पेन कम हो, इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस। अब धीरे धीरे अपनी मसल्स जो है नेक की, अपर लिम की जो मसल्स है उसमें स्पाज्म हो गया, जिनमें उनको धीरे धीरे मसाज करें, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करें, आप एक्सरसाइज रेगुलर करें, देन आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और घर में गर्म का या ठंडे का सेक करें ताकि आपका दर्द जो है वो कम हो। हीट पैड्स और कोल्ड पैड्स आपको बाजार में अवेलेबल मिल जाएंगे, नहीं तो आप बर्फ का सेक घर पे भी कर सकते हैं, आइस का पीस लेके उसको रुमाल में रैप करके, देन आपको मसाज करना है 20 to 25 मिनट दिन में 2 या 3 बार। और आपको नेक का ब्रेस पहनना है जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी, अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियर पेन है तो आपको नेक ब्रेस पहन के रखना है जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, पर आप जब सो रहे हैं तब आपको हटा देना, ताकि जो आप का जो वीक हुई है नेक मसल्स वो वापस इम्प्रूव हो सके और आपको टेम्पररीली रिलीफ हो सके नेक पेन का। थैंक यू।